जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। आशीर्वाद हम 22 जनवरी को अयोध्या में लेकर आए हैं, उनसे ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपको सद्बुद्धि दे। नमस्कार साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की जो मंडी से प्रत्याशी है, हमारी बड़ी बहन जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती, आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं, मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? हम आपदा के समय में, चाहे आपका आलू ग्राउंड है वहां पे उपस्थित रहे, पतली कुल का ब्रिज हमारी सरकार द्वारा रिकॉर्ड जो है 48 घंटे में उसको हमने मौके पर जाकर, ग्राउंड जीरो पे जाके उसको रिस्टोर करवाया, लेफ्ट बैंक जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था वहां पर जाकर हमने उसको रिस्टोर करने का कार्य किया, हम दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मिले, नितिन गडकरी जी को हम हिमाचल में लेकर आए, मनाली लेकर आए, और मनाली में उनको हमने जो है ग्राउंड जीरो की स्थिति से अवगत करवाया, मुख्यमंत्री जी ने उनको अवगत करवाया। इसलिए अगर आप इन तथ्यों के ऊपर बात करें तो अच्छा होगा, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं, ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर दी कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज, आपका क्या विजन है, आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है, क्या आपने आपदा के समय में किया, क्या भूमिका आपकी आने वाले समय में रहेगी, कितना सहयोग आपने पूर्व में दिया, इन सब चीजों के ऊपर बात करें। ये बिना मतलब की बातें, जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, इस तरीकों की बात कर आप जनता का समय जो है वो व्यर्थ कर रही है। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा, और खास करके प्रभु राम से, जिनका विशेष आशीर्वाद हम 22 जनवरी को अयोध्या में लेकर आए हैं, उनसे ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपको सद्बुद्धि दे और सही मुद्दे जो हिमाचल सेंट्रिक इश्यूज है, उस क्षेत्र के लोगों के मुद्दे है, कुल्लू के, मनाली के, भुंतर के, बंजार के, सैंज के, सरका घाट के, और बल के, मंडी सदर के, रामपुर के, उन इश्यूज को आप उठाएं, और हम भी उनको, कांग्रेस पार्टी भी उनको आने वाले समय में उठाएगी, एंड लेट्स हैव अ फोकस्ड डिबेट ऑन द डेवलपमेंटल ट्रैजेक्टरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये बिना मतलब की बातें, खाना पीना क्या है इसके बारे में फोकस ना रखें, ये हिमाचल प्रदेश की भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप मंच पर इसी तरीके से जो है शब्दावली का प्रयोग करते रहें, आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम।